नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आपको भी पता होगा हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, हर पौधे पर किसी न किसी देवी देवता का, भगवान का वास जरूर होता है। पौधे पर दिव्य शक्तियों का वास जरूर होता है, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वह आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वनस्पति के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर की दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको धन, भाग्य का साथ, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, नौ ग्रहों का साथ सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी वनस्पति है, अगर किसी व्यक्ति को इस वनस्पति के फायदे, चाहे वह तांत्रिक हो चाहे वह आयुर्वेदिक हो, दोनों पता चल जाते हैं तो वह अपने जीवन से कष्ट को तो दूर एक तरफ कर ही सकता है, अपने रोगों से भी मुक्ति पा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा यह पौधा कैसा दिखता है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और पहचान लीजिए। आप लोग ने अगर इस पौधे के तांत्रिक और आयुर्वेदिक गुण जान लिए तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में इस पौधे का दिनचर्या में काम लाने लग जाएंगे। आप कम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। सीधे सीधे इस पौधे का नाम बता देते हैं। इस पौधे का नाम है सहदेवी। जैसा आप लोग खुद देख पा रहे हैं, इस पौधे के नाम में देवी नाम जुड़ा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि इस पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है, इस पर लक्ष्मी माता भी वास करती हैं। इस पौधे के तांत्रिक गुण जानने के बाद और माता लक्ष्मी को खुश करने के बाद आपके जीवन से कष्ट जहाँ एक तरफ दूर जाएगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सोना चांदी की भरमार हो जाएगी। लेकिन आपको इस पौधे को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा, इसके तांत्रिक गुण को अपनाने के लिए आपको इसकी साधना करनी होगी। दोस्तों, इस पौधे को आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा और जंगली पौधा समझ करके इसको नज़रअंदाज भी कर दिया होगा, या आपकी ज़मीन पर अगर ये पौधा उगा होगा तो आपने इसको जंगली पौधा समझ करके उखाड़ के फेंक दिया होगा। लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। अपनी ताकत से यह पौधा एक व्यक्ति को धनवान बना सकता है। दूसरे गुणों की बात करें, इस पौधे के अंदर अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियों का वास होता है जो किसी भी इंसान की गरीबी और दरिद्रता को ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों, इस पौधे में आपका एक रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु इस पौधे की शक्तियों को समझने के बाद और इस पौधे की सही तरीके की साधना करने के बाद आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं, आपके शत्रुओं का नाश हो सकता है, बलवान बन सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग अपने जीवन में गरीबी दरिद्रता से छुट्टी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। आपको भी पता होगा कि भगवान भोलेनाथ का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है उसके जीवन में कभी भी कष्ट दुख नहीं आता है, उसके जीवन में सिर्फ सुख समृद्धि नौ ग्रहों का साथ और भाग्य के साथ होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बदल देगी। आप लोग जो दवाइयों में लाखों रुपए खर्च करते हैं वो आपका रुपए बच जाएगा, क्योंकि यह पौधा आयुर्वेदिक गुण के हिसाब से एक ताकतवर पौधा माना गया है। इस पौधे के गुण जानने के बाद आप लोगों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आपका बुखार पीछे नहीं छोड़ता है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपका ब्लड साफ नहीं हो रहा है एवं खाना पचने में दिक्कत हो रही है, सबका निवारण इसी पौधे की पत्तियों से आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसके तांत्रिक गुण इस तरीके के हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट, गरीबी, दरिद्रता आ चुकी है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है, शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, उन सब का भी निवारण इसी पौधे से मिलेगा। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया, इस पौधे का नाम है सहदेवी पौधा। सहदेवी पौधा का मतलब यही होता है कि यह पौधा देवी देवताओं को भी बहुत ज़्यादा खास होता है। और अगर आपने इस पौधे के सारे गुणों को ठीक से समझ लिया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने आ रहा है, यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसके आयुर्वेदिक गुण के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आ जाता है और आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, और अगर आपके घर में सहदेवी पौधा रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना यह है, इस पौधे के पत्तियों को लेना है, पानी में उबाल करके पी लेना है। सिर्फ अगर आपने इतना कर दिया, आपका बुखार तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा लगेगा और आपका बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। इस पौधे की पत्तियों में एक अलग तरीके की ताकत होती है। दूसरा, अगर आपके पेट में दिक्कत रहती है, कब्ज़ होता है, आपको परेशानी हो रही है पेट साफ़ होने में, आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है और सहदेवी पौधा आयुर्वेदिक गुण के हिसाब से एक ऐसा पौधा है जो आपकी कब्ज़ की दिक्कत को सही कर सकता है। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक इसके इस्तेमाल को करना होगा। जैसे जब आपका पेट सुबह सुबह एकदम साफ हो जाता है, इस पौधे की 4 पत्तियाँ लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में ठीक तरीके से उबाल लीजिए, फिर इस पानी को
छान लीजिए और इस पानी को खाली पेट पी लीजिए। यकीन मानिए जो आपकी कब्ज की दिक्कत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 25 दिन तो करनी होगी। 25 दिन के बाद इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसा आप लोग खुद देख पा रहे हैं इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस पौधे का इस्तेमाल करने पर आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, तो इस बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए। दूसरा, आपको बता दें अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या सर में दर्द रहता है, ये पौधा एक उपयोगी पौधा साबित हो सकता है। आपको सिर्फ करना यह है इसकी पत्तियों को लेना है, कम से कम 200 ग्राम पत्तियाँ होनी चाहिए। आपको 50 ग्राम नील का तेल लेना है। जी हाँ, नीम का तेल अगर आप ले लेते हैं और इस पौधे की पत्तियों में ठीक तरीके से इसका मिश्रण कर लेते हैं, उसके बाद इसके लेप को अपनी कमर पे, घुटनों पर या सर पर लगाते हैं, जो दर्द से आप कई दिनों से परेशान होंगे उस दर्द से आपको निवारण मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, यह पौधा डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं सहदेवी का पौधा हमेशा अपने पास रखते हैं, और ये जो हम आपको इलाज बता रहे हैं इस पौधे के, ये आप अगर आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा। ये हमारा चैनल प्राचीन ज्ञान का एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण। इसी मकसद के तहत हम चाहते हैं कि देश के जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन तक हम हर जानकारी हिंदू पुराणों के हिसाब से पहुंचा सकें। हर हिंदू भाई का 1 रुपये ना खर्च हो लेकिन वो लाखों रुपए कमा सके, क्योंकि हिंदू पुराणों में हर तंत्र मंत्र आयुर्वेदिक जानकारी दी हुई है। अगर आप हर जानकारी पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोज़ ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए बिना। अब आपको बता दें कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है और आप लोग इसके लिए मल्टीविटामिन आयरन डेफिशिएंसी की दवाइयां लेते हैं, तो अब आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पौधे का सिर्फ एक फूल आपके शरीर की आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। आपको बता दें आपके इसको फूल के लेना है, इस फूल को सुखाना है, सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी आपने अगर इसका पाउडर ले लिया और पानी में मिला करके खाली पेट पी लिया, आपके शरीर में जो आयरन की कमी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, ब्लड प्योरीफिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग कई दवाइयाँ लेते होंगे, मल्टीविटामिन और वगैरह वगैरह, लेकिन इसके फूल के पाउडर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो रहे इसके आयुर्वेदिक गुण जो हमने आपको बता दिए। अब जो हम आपको इसके तांत्रिक गुण बताने आ रहे हैं, उसको जानने के बाद आपके जीवन से दुख, कष्ट, काला जादू, तांत्रिक शक्तियाँ जो आपके पीछे पड़ी हैं, भाग्य का साथ ना मिलना, नवग्रहों का साथ ना मिलना, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस पौधे के तांत्रिक गुण को करने के लिए आपको साधना करनी होगी। वो साधना इतनी आसान नहीं है। अगर इस साधना को आप सही तरीके से कर लेते हैं जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, यकीन मानिए धन की कभी आपको जीवन में कभी नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा जो भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, कतई भी वीडियो को स्किप या मिस ना कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप धनवान बन जाएं, तो इस पौधे के गुण को ठीक तरीके से समझ लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, साधना अगर आपने गलत की तब इस पौधे का आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, सहदेवी का पौधा 1 फुट से लेकर 3 फुट तक का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको महारथी पौधा माना गया है, तो हिंदू पुराणों के हिसाब से तंत्र मंत्र में यह पौधा बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। माना यह जाता है कि माँ लक्ष्मी का इस पर वास होता है, जिसकी वजह से अगर आप इस पौधे के सही तरीके के इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और गरीबी दरिद्रता आपसे बहुत दूर चली जाती है। अब आप समझिएगा जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। रवि पुष्क नक्षत्र के दिन अगर आप इस पौधे को अपने घर पर ले आते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के दिन भी आप इस पौधे को ला सकते हैं, लेकिन इस पौधे को लाना इतना आसान नहीं होता है। इस पौधे को लाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। देखिए, आपको इस पौधे को लाने से पहले निमंत्रण देना होगा। अगर आपने बिना निमंत्रण दिए इस पौधे को अपने घर पर ले आए, तब आपको इसके गलत प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, अमावस्या, पूर्णिमा और रवि पुष्क नक्षत्र, ये 3 दिन हैं जब हिंदू पुराणों के हिसाब से आप सहदेवी के पौधे को घर पर ला सकते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं, रवि पुष्क नक्षत्र, पूर्णिमा और अमावस्या, इसी 3ों दिन के अंदर पूरे साल में आप ला सकते हैं इस पौधे को। लेकिन अगर इस 3 दिन में आप इस पौधे को ले आते हैं अपने घर में, तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, काला जादू का वास नहीं होगा। अब आपको हम तरीका बताने आ रहे हैं कैसे आप इस पौधे को ला करके, कैसी तंत्र विद्या को अपना करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके घर पर धन खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पौधे को अगर आपको लाना है तो रवि पुष्क के दिन से पहले आपको जाकर इस पौधे को निमंत्रण देना होगा। इसी तरीके से अमावस्या से 1 दिन पहले जाना होगा आपको और इस पौधे को निमंत्रण देना होगा। निमंत्रण देने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन साधना पूर्वक है। इसकी क्रिया बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक करना होगा, तभी ये पौधा आपका साथ देगा।
आपको बता दें रवि पुष्क नक्षत्र पूर्णिमा और अमावस्या ये तीन दिन ध्यान रख लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। इस तीन दिन से एक दिन पहले आपको इस पौधे के पास जाना है जब सूर्यास्त हो जाए, मतलब शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद। जैसे सूर्यास्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपको इस पौधे के पास, घर के पास या कहीं भी आपने जहाँ पर इसको उगा हुआ देखना है इसको जाना है, एक तांबे का लोटा लेना है। एक तांबे के लोटे में पानी भर लेना है, हो सके तो शुद्ध जल भरिएगा, और ऐसा लोटा लीजिएगा जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, और ले जा करके इस पौधे को देख लीजिए। और वहाँ पर पे आपको इस पौधे से 100 मीटर पहले अपनी चप्पल उतारनी होगी। इस पौधे के पास अपने तांबे के लोटे को लेके जाइए, जल अर्पित कीजिए और निमंत्रण दीजिए इस पौधे को, और कहिए इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हे सहदेवी पौधा, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैर मेरे घर पर रखें, मेरे घर की गरीबी दरिद्रता कष्ट को ख़त्म कर दें ताकि मैं अपने जीवन में आगे जा सकूं। अगर आपने इस तरीके से निमंत्रण सहदेवी पौधे को दे दिया और अगले दिन सूर्यास्त से पहले इस पौधे को आप अपने घर पर ठीक तरीके से उखाड़ करके गमले में रख के ले आते हैं, यकीन मानिए दोस्तों पूरे साल आपके घर पर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप इस पौधे को इस क्रिया से लेकर आते हैं आपका कष्ट एकदम दूर हो जाएगा घर का। आपके घर पे अगर किसी ने काला जादू करा रखा होगा वह काला जादू ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, या आपके घर पे कोई नकारात्मक ताकत जो होगी वो अपना वास कर रही होगी वो ताकत भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रवि पुष्क नक्षत्र अमावस्या और पूर्णिमा से एक दिन पहले इस पौधे को जाकर निमंत्रण देते हैं और इसको तोड़ कर लाते हैं और इसकी जड़ को सुखा लेते हैं, आपको इसकी जड़ को किसी पीले कपड़े में बांध करके अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख देना, जहाँ पर आप धन रखते हैं, सोना चांदी इत्यादि रखते हैं। यकीन मानिए आपकी तिजोरी में जो भी सोना चांदी धन रखा होगा और इसको आपने पीले कपड़े में बांध करके रख दिया, आपके घर में धन की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। आपकी तिजोरी में जो भी सामान रखा होगा उसकी वृद्धि होगी, जैसे सोना चांदी धन कैश इत्यादि। आपने रवि पुष्क नक्षत्र अमावस्या और पूर्णिमा से एक दिन पहले सिर्फ इसको आपको निमंत्रण देना है और अगले दिन इसको अपने घर पर लेकर आना है। इतना करने के बाद आपके घर में कभी भी आपको कोई कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा रवि पुष्क पौधा एक तांत्रिक पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, तो जो हमने आपको तरीके बताए हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए और इसी तरीके की क्रिया को करते हुए अपने घर में आप इस पौधे को लाइए और आपके घर से सारे कष्ट दूर चले जाएंगे। दूसरा, एक बहुत अच्छा उपाय है इस पौधे का जो हम आपको बताने आ रहे हैं। इस पौधे को अगर आप उन तीन दिनों पर लेकर आए हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे थे तो ज़रूर आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, रवि पुष्क और पूर्णिमा और अमावस्या से एक दिन पहले अगर आप इस पौधे को अपने घर पर लाए थे, सिर्फ एक पत्ती इस पौधे की तोड़ लीजिए। एक पत्ती तोड़ने के बाद पीले कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख दीजिए जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, यकीन मानिए आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप जो नौकरी के लिए इतना परेशान थे, अब आपकी नौकरी लगना तय है और ये आप करके देख लीजिए, इसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने काला जादू करा रखा है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही, घर में बहसबाजी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इस पौधे का आप सही उपयोग कर सकते हैं। उन तीन दिनों में जिस दिन आप इस पौधे को लाए हैं उसके बाद ही आपको इसका एक फूल तोड़ना है, किसी पीले कपड़े में बांध करके छत पे ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर कम से कम 30 दिन इसको कोई हिला ना पाए। इतना अगर आपने कर दिया तो जो घर की आपकी बरकत रुकी हुई थी, परेशानी कष्ट आपके घर पे आया था, वो अपने आप चला जाएगा। दोस्तों सहदेवी पौधा माता लक्ष्मी का पौधा माना जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस पर पड़ जाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। आज जो आपको हमने जानकारी इस वीडियो में दी है ये हिंदू पुराणों तंत्रों मंत्रों के हिसाब से दी है, इसलिए अगर आप इस पौधे का इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया है, यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके की हर जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।